हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिल्वर ऑन गेमिंग। आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, ये मेरा पहला वॉइस ओवर है और इसको मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो भी समझ सकते हैं। मैं अभी 20 इयर्स ओल्ड हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर अभी चल रहा है। फिलहाल मैं पबजी सीजन 2 से खेलते आ रहा हूँ। अराउंड मैंने सीजन 12 में कॉन्करर किया था और मैं एज 23 लेवल तक गया हुआ था कॉन्करर जाने के लिए स्क्वाड में। उसके बाद हम लोग अभी आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग जॉर्जियो को उतरे हुए हैं। मैंने मेरे टीम के एज मेरा रोल है आगे, और उसके अलावा मैं सपोर्ट की तरह रोल यूज करता हूँ, असॉल्टिंग करता हूँ, स्नाइपिंग करता हूँ। मैं आई एम एन ऑलराउंडर प्लेयर, तो कोई इशू है नहीं। चलिए अभी देखते हैं गेम प्ले, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसका एंड बहुत डेंजरस है गाइस, आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आगे मेरे को एक शॉटगन है, M16 है, वही कंट्रोलर है। अच्छा गन नहीं है क्या तेरे? पहले गन नहीं है, रुको टॉमी दे रहा भाई। भाई काम हो जाए ना, ट्रू उठा ले रहा हूं। ये लो 3x लो भाई, गट्टी भाई डीपी मिल गई। अभी हमारा आगे वाले कंटेनर पे एक स्क्वाड है जिसको मेरे दोस्त अभिषेक ने नॉक दिया है, तो फिर मैंने कॉल दिया कि चलो पुश करेंगे उनको, मारो या मरो वाली सिचुएशन है। अभी हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये बंदा यहाँ पे टीपी भी ले रहा होता है मेरे को मारने के लिए, लेकिन बहुत हेड ही हेड देता हूँ उसको। उसके बाद हम लोग इसको नॉक करने का, उसके बाद मेरा टीपी हम लोग देते हैं और तब तक मैं जाके अभिषेक को रिवाइव पकड़ लेता हूँ। रिवाइव होते ही हम दोनों पुश देने जाएंगे। देखिए आप ऐसा हमारे टीममेट ने बोला, और हमारे पास कुछ लूट नहीं है। हम जॉर्जियो पोल उतरे है, हॉट ड्रॉप लिए है और लॉबी बहुत तगड़ी है। आई गेस दिस इज अ कॉन्करर्स लॉबी। एज मैं एज 23 तक का गया था तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस। यही मिला है बस, और एक गन है। रुको मॉन्स्टर भाई, इसका लास्ट बचा है। वो उधर ही घूम रहा है, रुक जाओ, अपना आगे घूम रहा है वो। आ जल्दी आ, डेडली मेरे साथ आ। आ गया, यहीं कहीं है, यहीं कहीं आसपास ही है। हां अब ये लास्ट बंदे को हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि ये लास्ट बंदा कहीं हमारे टीममेट को फिनिश ना कर दे। मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ ताकि मैं नंबर 4 और 3 को कवर दे सकूं। पता चलता है कि के अंदर ही छुपा हुआ है वो। मैं यहाँ पे ही खड़ा हूँ कि कभी नॉक किए वो लोग तो मैं मार दूंगा वो बंदे को। इसके बाद हम लोग लूट डिवाइड करते हैं। जितनी भी लूट हमारे पास बहुत कम है गाइस, ये मैच के अंदर हम लोग 0 से सेकंड डिनर तक गए हैं। इसको आप एंड तक का देखेंगे, आपको बहुत एंजॉय करने वाले इस वीडियो को। 9 का एमओ है क्या? थोड़ा बस ले, नाइन का नहीं है गाड़ी, मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है चलो चलो कोई नहीं। हाँ नाइन का मैंने इधर ड्रॉप किया था। हाँ मिल गया, चलो मेरे को। फिर हमको लगा गाइस के जॉर्जियो क्लियर हो चुका है, इसके लिए हम लोग हमारे लूटिंग फेज में आ गए। लूटिंग फेज में रियलाइज किया कि नहीं, एक स्क्वाड अभी भी जिंदा है जिसको अभी अभी मेरे टीममेट मॉन्स्टर ने नॉक किया हुआ है। नॉक कर दिया, यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ ये दोनों को कवर देने के लिए। इन लोग के लिए एक स्मोक कर देता हूँ कि ये लोग रिवाइव दे सके। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब इनके दो बंदे तो नॉक है, मतलब अब क्या होगा, पुश देंगे हम लोग। पुश देने के अंदर मैंने इसको 1 सेकंड होल्ड करने बोला क्योंकि मुझे एक्चुअली पोजीशंस नहीं पता किधर स्प्रेड आउट है। तो मुझे साउंड आया कि ये लोग वेयर हाउस में है, तो मैंने इनके लिए एक नेड करा कि नेट से फट गया। पता नहीं गाइस ये नेट से कैसे नहीं फटा है, ये नेट से फट जाने चाहिए थे वहां के जितने भी बंदे थे। उसके बाद ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड मार दिया, बट रियलाइज किया कि मेरे दोस्त अभिषेक को कोई मार नहीं तो वो लोग मेरे टीममेट को फिनिश दे देते हैं। गाइस कभी-कभी अपने टीममेट को बचाने के लिए अगर आप भी नहीं बचाता तो आप 10 सेकंड जैसा टाइम और देते हैं उसको जिंदा रखने के लिए। तो उसको गाड़ी के पास संभालो,
तब तक हमारे पीछे से कोई एक और बंदा हमको मारने आया है और मैं जस्ट वन एक्सट्रा ऊपर आया, मैंने मॉन्स्टर को कॉल दिया, मॉन्स्टर मार देगा। फिर अभिषेक और इडली दोनों 1 एचपी हम लोगों को फटाफट हमने उनको रिवाइव पकड़ लिया। ऑल डेड है यहां पे और वो वहां पे बाहर पे दो तीन नॉक कर दिया था पीछे से गाड़ी आ गए। नहीं नहीं पीछे अब हम लोग इनको मारेंगे। ये हमने लॉल क्लियर है, एक्सट्रैक्टिंग से क्या हीलिंग है, हमारे पे कुछ भी नहीं थी गाइस, आप देख सकते हैं मेरे बैग में कुछ भी हीलिंग नहीं थी। खराब कर दिया ये चार बंदों ने हमको, बहुत परेशान किया, बहुत हरामी थे साले। फिर मैंने देखा कि जोन हमारा 1300 है, रुकना अभी अच्छी चीज नहीं है क्योंकि किसी से भी हीलिंग है नहीं, क्योंकि अगर फाइट लेंगे इनसे गाइस और ये आउट ऑफ जोन है मैं आपको भी सजेस्ट किया करूंगा कि ये मीनिंगलेस है। आउट ऑफ जोन मास्टर पे आगे बंदे, मास्टर पे आगे बंदे, संभाल अवॉइड करो वहां पे गाड़ी लेके आने में, पहले फाइट अवॉइड करो। अरे उसी को कर दिया, ओके ओके नाइस नाइस नाइस, ओके 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 तो सही है। हां देन तेरी फैमिली यहां पे देख सकते हैं मेरे पास 30 एंड 25 एमओ ही है और ये फर्स्ट टाइम का फर्स्ट को पिक अप कर लिया है, हीलिंग नहीं है यहाँ पे। मैं नॉक हो जाता जोन से लेकिन मेरे टीममेट्स ने मुझे फटाफट बचा लिया। पहले पहले बैंडेज लगा, बैंडेज लगा जब तक, फिर उसके फर्स्ट एड लगा। यहाँ पे अभी भी 1300 मीटर्स है जोन। गाइज एज एन आईजीएल इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं मेरे टीममेट्स को सेफली लास्ट जोन तक ले जाए, लास्ट जोन में वो लोग उनको मार सके इजीली एनिमीज। आ जाओ भाई गाड़ी बाहर निकलते हैं, हमारे पास लूट भी बहुत कम थी, हमने फटाफट निकलने का। हां इधर गाड़ी खड़ा है, ऊपर इधर पीछे खड़ा है, यहां पे कृपा करा, इधर यहां पे, यहां पे गाइस वही बची थी मेरे पास। हां तो फिर बाइक पे मैं और भाई कट्टी निकले यहां से और डेडली और मॉन्स्टर के लिए गाड़ी छोड़ दी थी हमने, वो लोग गाड़ी लेके आए। अब गाइस हम डायरेक्टली आ गए हैं मिलिट्री बेस क्योंकि जोन पूरा मिलिट्री बेस शिफ्ट हुआ था। ये ब्रिज के थोड़ा ही आगे निकलते, कोचिंग की साइड वाले ब्रिज के थोड़ा आगे निकलते यहाँ घर है, वहाँ पे हम लोग 15 बैंडेजेस हैं मेरे पे। देखिए हमारे पास 15 बैंडेज है, हम लोग लूट रहे हैं, कुछ भी मिल नहीं रहा है। 15 बैंडेज, ये एक फर्स्ट भाई गट्टी के पास भी 15 बैंडेज, ये फ्यूल भर दिया, कुछ है नहीं, फ्यूल था गाइस वो भी डाल दिया गाड़ी में, दो एनर्जी और एक फर्स्ट एड फुल पब्लिक। अब हमने देखा कि ये भाई किधर जा रहे थे तो मेरी नजर में आई लूट, बताइए एक बंदे पे भी बहुत लूट होगी, हम सब मिल बांट के खाएंगे। आप देख रहे हैं हम लोग बहुत ही लूट लोगों की तरह रास्ते पे उतर गए हैं इसको मारने के लिए, इसकी टीम होए के ना होए हम लोग इसको लूटने रेडी है। हमने इसको लूट लिया, स्मोक वोक भी कर लिया है, देखो लूटने की टेक्निक्स कितनी फास्ट है गाइज हमारे टीम मेट्स की। जोन आ रहा है, इसके बाद वापस जोन आया और हमारे पास कुछ हीलिंग नहीं है तो मैंने सोचा वापस से हम जोन जाएंगे। जोन के बाद हमने यहाँ शेल्टर में लूट करने के लिए रुके थे, वो लूट फिनिश हुई और अगला जोन स्किप हुआ जो ऊपर आया है मिलिट्री बेस के, वहाँ वॉच टावर के पास। तो फिर हमने सोचा चलो अभी निकलते हैं वॉच टावर के पास से, एक और इसके हाँ हम लोग गैस कैन कैरी कर लिए, हम लोग दो दो गैस कैन कैरी, हम लोग गैस कैन में पछताए इसलिए। अरे तू बूस्टर लगा, बूस्टर गाइस अभी ये जो वीडियो कर, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं मतलब गाड़ी में बूस्ट लगा के चल, कोई दिक्कत नहीं। रेंडर हो रहा है गेम मेरा, यहाँ पे हमारा गेम बहुत लैग कर रहा था, हमारा मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर भी बहुत लैग कर रहा था। ये वीडियो में अब आने वाली है मजा गाइस, तो देखते रहिए। I got supplies. अब हमने ले लिया जोन में एक अच्छी पोजीशन। गाइस जोन में एक अच्छी पोजीशन और जोन प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि इधर बंदे हैं, इसको जहर स्प्रे दिया डीपी का। अब ये डीपी से ये बंदा मेरे से 3 नॉक हुआ, फिर भी ये बंदा तो ढीट है, ये हलेगा ही नहीं अपने पोजीशन से। फिर हमारे टीममेट्स ने देखा कि और भी बंदे क्लोज में हैं। यहाँ देख बंदे ओपन में, और ये वो बंदे फिनिश हो गए। क्लोज इन करके मारने वाला था ताकि वो बंदा,
अब मैंने जो पहले नॉक किया था उसको रिवाइव देने एक बंदा गया, बट उसको वही शॉट कनेक्ट हो पाया, उसने स्मोक किया था। गाइस ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आपके टीममेट को आप रिवाइव देने जाए, आप रैंडमली भी अगर कहीं पे भी हो एक स्मोक कर ही देना चाहिए, क्योंकि स्मोक की कोई वैल्यू नहीं है और टीम प्लेयर की बहुत वैल्यू होती है। यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने राइट में कोई क्लोजिंग किया और मैं उसकी वजह से कवर में उनको मारता, तो फिर कवर में चलो, कवर में चलो, ऊपर बंदे। फिर हमने रियलाइज किया कि ओ शिट ऊपर बंदे, तो फिर मैंने उसको स्प्रे दिया, तो वो नॉक हो जाना चाहिए था। फिर मैंने मेरी टीम को कॉल दिया कि सब लोग अंदर आ जाओ फटाफट, नहीं तो ये लोग ऊपर से लेट के स्प्रे देंगे और फालतू हमारा कोई एक प्लेयर लॉस हो जाएगा। हम सब सक्सेसफुली अंदर आ गए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे टीममेट नॉक होते हुए, जैसा कि मैंने बोला गाइस, सामने के प्लेयर्स भी बहुत तगड़े आए, वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे, उन लोगों को खेलने के लिए उनको भी काफी एक्सपीरियंस है। अब मैंने डिसीजन लिया कि देखो जोन कैसा कटा है, आप देखिए मिनी मैप पे जोन एग्जैक्ट हमारे ऊपर है। अब ये सिचुएशन में जोन की हो सकती है कि यार एक नंबर, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि हमारे पीछे भी एक स्क्वाड आई थी, तो मैंने मेरी टीम को कॉल दिया कि इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अगर हम पे पीछे से पूछ देते हैं और ये ऊपर तो बहुत इशू करेंगे। मॉन्स्टर यहाँ पे नॉक हो जाता है, डेडली उसको कवर देता है। उसके बाद एक बंदा राइट साइड पे होता है, वो बहुत परेशान करता है, ये ऑम चला रहा है ना जो बंदा। मैंने मेरे सारे टीममेट्स के लिए प्रॉपर स्मोक्स कर दिए कि वो रिवाइव हो जाए, बट ऑम का आपको पता है ना गाइस, वन शॉट नॉक, अबे ऊपर से मार रहा है कोई बंदा, अबे ऊपर वाला भी मार रहा है या मेरे भाई कवर में जा, कवर में जा, राइट साइड पे एक बैठा है संभाला। अब ये दो फाइट लेते हैं और मैं उनको वो ऑम वाले से कवर, नहीं अटैक नहीं था मेरे को, नहीं ये सारे टेंपर की तरह बैठे भाई, क्या तब तक मेरे दोस्त टिकट किया डेली ने पूछ लिया, जिसमें डेली मर गया, अभी से भी लास्ट बंदे लास्ट है, नीचे लास्ट है, नीचे लास्ट है, मेरे को ये पूछ देना बहुत जरूरी है, नीचे ही है, लास्ट लास्ट है, इनको तो क्लियर कर दिया। अब वो ऊपर के दो बंदे बचे, एंड सब उसमें से कट कर दो, जो हमारा जोन रहेगा वो बंदों को नीचे आना ही पड़ेगा। 1 एचपी बेस को नॉक किया था साला, बग्गी है नीचे, मैंने जो भी लूट करनी थी लूट कर ली फाइनल। अभी प्रॉपर 1v2 है गाइस, बग्गी लेकिन पूरे मैच के लिए नहीं जीत है, दो ही बंदे लगे और ऊपर वाले सारे गन्स रीलोड कर लो गाइस। हमेशा जब भी भाई मैं एक नॉक करके एक नॉक, हमें एक नॉक दे दिया था, एक नॉक दे दिया था, प्लेयर फुल बूस्टेड होना ही चाहिए, पेन किलर मार लो, एनर्जी ड्रिंक मार लो। नहीं नहीं गलती नहीं थी, वो ऊपर से बहुत उंगली, वो ऊपर से होम वाला, ऊपर से होम का फटका मारा, बताओ मेरे को डैमेज दे दिया और ये एक और ले लिया मेरे को। हां देखा देखा डेडली देखा, और ये लोग नीचे दोनों साथ में थे, मॉन्स्टर को भी शायद ऊपर वाले ने फिनिश मारा है ना। गाड़ी से ऊपर चढ़ा दे, गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी रिवर्स में, अब देख अजीब वाली आईडिया दिया हूं तो ये नहीं करना। रुक रुक मास्टर, उसको साउंड आ रहा होगा, हमको नहीं आएगा साउंड, उसको करने दे। यहां हमारे टीममेट्स बहुत गलत गलत कॉल देते हुए, फिर मैंने देखा कि एकदम ये लोगों को जोन से आना है और ये लोग वहीं से आएंगे जहां पहले मैं बगी लेके गया था। एक बंदे ने बगी से पूछ दिया कि मैं अगर उनको शूट करूंगा तो दूसरा बंदा मारेगा। अब देखो ये इनका प्लान बिगड़ जाता है, बगी लेके जाओगे भाई तो मरोगे ही ना। ये देखो जोन के बाहर से राइट लेफ्ट गाइस, अगर आपको वीडियो में मजा आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है इस चैनल पे और अब फाइनली मैंने ये इनिशिएटिव लिया है और अब देखते हैं हमको ये चैनल कहाँ तक ले जाता है। बस ऊपर वाले की दुआ है और आप लोगों का सपोर्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।